इनकी बात मत सुने बाजी, ये सिर्फ आपको धमकी दे रहे हैं। ले फिर छोड़, बचा मैंने तुझे तलाक दी, तलाक दी। अम्मी जी, मैं पीयू बनने वाला हूँ। हैं? कि क्या? मैं पीयू, पीनो माँ, तुसी दादी, ते अब्बा जी दादा। ओ या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे तक कान तरस कैसी गए इस खबर वास्ते। हां या अल्लाह, नी पिनो उरियानी उरियानी मां सदके, मैं भी कमा तेरी शक्ल ते नी रोणक किंज हो गई है। हैं, पहुंच भी गई वहां पे। हां अल्लाह दा शुक्र है, ता असी ता मठियाईयां भी खा रहे हैं, खुशी ना पागल होए हैं असी सारा टब्बर। मठियाईयां खा रहे हो? ओ कैसे बेगैरत और बेशर्म लोग हो तुम। ये खबर सुनकर तुम लोग सिख अपने यहाँ खुशियां मनाते हो इस तरह की गल्ला करता पिया सिया? बहुत चौड़ ना हो, बंदा इन्ना ही एहसास कर लेंदा कि मैं तेरी सास हैगी हां। हाल में रह अपनी, कौन सी सास, कहां की सास? जब मैं तेरी बेटी का खसम ही नहीं रहा तो मेरी सास कहां से पड़ गई? की बकवास कर रहे हैं? बिल्लो जी, मैंने तेरी बेटी ममताज को तलाक दे दिया। की कर दी पाई है? अपने बच्चियां दी छत खो रही है? छत? जे तू छत दे जोगा हुंदा तां गल ही की सीगी, अज ए मेरे मुंह ते ना खड़े होंदे। तू भी निकल मेरे नाल, चल मेरा घर छड़ के निकल। ठीक है। औकात होंदी तो गल ही की सीगी। सुन लिया आपने? बस सुन लिया, बस यही वजह है। इस घर में जितनी खराबी हो रही है उसकी यही वजह है। अगर आप में दमखम होता तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। आपकी कमजोरी की वजह से अम्मी को ताकत मिलती है हमेशा। आज तो ये परवीन भाभी को निकाल रही है ना, कल आहिस्ता आहिस्ता हम सबको निकाल देंगी। और इससे पहले कि ये हमें निकाले, हम लोग खुद घर छोड़ देंगे। और मैं भी जा रहा हूं, क्योंकि मैं एक मां को उसके बच्चे से अलहदा करके ये सुर नहीं कर सकता, और ना ही एक बेकसूर परवीन को सजा दे सकता। जा, चला जा तू भी, बाहर जाके वे किन्ने ठेडे पैंदे आ तेनू, बुढ़ी नू खुआएगा कितो। अम्मी जी, तुसी फिक्र ना करो, ना करो मेरी फिक्र, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अनायत, ये वक्त कार छोड़ने दा नहीं है पुत्र, तनु पैसों दी लोड़ हो गई। नहीं डैडी जी, नहीं, अब नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूं। तफा हो जाओ सब, दूर हो जाओ सारे, मर जाओ, तफा हो जाओ, तू भी चला जा, तू भी चला जा, दफा हो जाओ सारे, निकल जाओ। हाँ हाँ, चले जाते हैं, चले जाते हैं। दफा हो जा तू भी, हो जा दफा।
मुराद, ना मुराद, लांती। देखिए नाय जी, मुझे ये तो बताइए आप कर क्या रहे हैं? बस कर, बड़ी मुश्किल से मैंने ये फैसला किया, बड़ी मुश्किल से, बड़ा वक्त लगा है मुझे, लेकिन अब कर लिया। क्या? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। आधी हो गई है, बहुत रही है मैं कल्ली। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, तो जब तू उन्होंने आप छड़ के गया सीगा, वो तो बड़ा हौसला सी तेरे बिच उन्होंने बगैर रहने का, हैं? की होया बाले दा कुछ पता लगा कुलजीते? नहीं बिल्लो, जिते जिते मैं पता कर सकता सी पता कर लेता है, वो नहीं और कुछ नहीं है। ये करा, कल तक तो मैंने फ्लैट भी खाली करना पड़ेगा, तो बच्चियां वास्ते कुछ खाने भी नहीं का, अंजुमन को बुखार हुआ है, मैं की करूंगी? एक परेशानी करे ना, तू छोटे छोटे बच्चे नाल किथे जाएगी, इथे रह जाओगे? मैं मिन्नत कर लांगा उना दी, जिदों तक तेरे बंदे दा पता नहीं चलता, तैनू ते तेरे बच्चियां नू सिर छुपाण दा आसरा दे दे। नहीं कुलजीते, मेरा सिर तो उदों वी उच्चा सीगा जदों मैं बलवंत कौर सां, तां बल्कि इस पट्टी बन के मेरा सिर होर उच्चा हो गया। मैं एक छत पीछे अपने बच्चों से भी नहीं होने दूंगी। उन्हें बापू मैं माफ कर दे तो वक्री गल है, पर मैं उदा एहसान नहीं लेना। पागल हो गई है बलवंते, कितने जाएगी? कोई गल नहीं वीर, मेरा वाली बार सुन रब भी है, चल जाऊंगी कितने भी अपने बच्चों को लेने। आप रुल गई के सड़क ते ना जान, आज आज अपनी जनानियां पीछे लग के सड़क ते आ गया मुंडे। वाह नी बिल्लो, तू तो अपनी उम्र ही गवाई है। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों नहीं जाओगी तुम? बस मेरी मर्जी। ठीक मीन तुम्हारी मर्जी, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे मैं नहीं जाऊंगी, क्या करोगी यहाँ पे? मेरे साथ जाना होगा तुम्हें, समझ आई है? मुझे लेकर कहाँ जाओगे, ये जानने का पूरा हक है मेरा। डोंट वरी, मैं तुम्हें किसी फुटपाथ पे नहीं रखूंगा। मैं शायद वहां रह लूं, मगर मगर क्या? मगर लिस के साथ नहीं रहूंगी। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें लिस के साथ रखने वाला हूं? तुम्हीं ने तो कहा था तुम उसे फोन करोगे और वो कुछ इंतजाम करेगी। तुम्हें उसके साथ रहना है तो तुम रह लो, शौक से रहो, लेकिन मैं नहीं रहूंगी। और किस रिश्ते से रहूं? अच्छा तुम नहीं रहोगी लेकिन मैं जा सकता हूं। व्हाट डू यू मीन, मतलब मैं किस रिश्ते से रहूंगा? वही जो रिश्ता तुम लोगों का है। क्या है? तुमने कहा था ना
जिसके लिए तुम्हारी सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि और बहुत कुछ भी है। क्या मैंने ऐसा कब कहा? ओह एक्चुअली नो व्हाट सो, तुम्हारी आदत है जब मैं तुमसे कोई बात करता हूँ तुम उसमें कोई ना कोई और बात ऐड कर लेती हो और खुद से कुछ अज्यूम करती हो। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि वो मेरे लिए और भी बहुत कुछ है। तो फिर बताओ क्या है वो तुम्हारी? शी इज माई बॉस, बॉस है मेरी। क्या? हाँ लिज मेरी बॉस है। लेकिन तुम मेरे साथ पाकिस्तान उसी की वजह से नहीं गए थे? जी मैं पाकिस्तान अपने बॉस की वजह से नहीं गया था क्योंकि मैंने अपने बॉस से पूछा था कि क्या मुझे छुट्टियां मिल सकती है और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। दैट्स व्हाई आई डिडंट गो। और मैंने अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उससे एज ए फ्रेंड शेयर की हैं। पता नहीं क्या समझ गया सोहा, यू आर सच एन इडियट। मैं अपनी बीवी को लेके अपने बॉस के घर रहूंगा? मुझे लगा वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यू आर सुपर इडियट, यू नो दैट। मैं अपनी बीवी को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाऊंगा? I'm done with my bathroom. और भी सामान रखूंगा। जा रहे हैं। चल फिर। दरअसल मुझे शक करने की आदत नहीं है मगर मगर क्या शौक है? नहीं वो एक्चुअली भाभी ने बताया था तुम्हारे और लिस के बारे में। मेरे और लिस के बारे में क्या कहा उन्होंने? यही कि तुम उसे शादी करना चाहते थे। शादी हाँ करना चाहता था लेकिन उसके इनकार के बाद मैं फिर मर नहीं गया। एक्चुअली मैंने ये सोचा कि मुमताज बाजी की नन से शादी करने से बेहतर है मैं लिस से शादी कर लेता हूँ। शी वॉज अ फ्रेंड और 3 साल से जानता था, मेंटल कैपेबिलिटी भी थी। तो उसने इनकार कर दिया। दैट्स इट। लिस ने इनकार कर दिया? हाँ उसने इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो मेरे और अपने दोस्ती के रिश्ते को बदले। अरे कितने चला गया बाले तू, इतना खराब मौसम तो मैं कर ली घर च कुछ खाने नहीं गा। सुल्तान को कितना बुखार है, की करा मैं कर ली की करा। आखिर तेरा ही खून ना बाले, एक बार तू ही मैंने दुनिया के मेले च कला छड़ गया सीगा, आज ये भी छड़ गया। मिल गया सकून, पड़ गई कलेजे च ठंड। अम्मी जी मुमताज तन की होया? मेरे बहाने से मकान खाली करा लिया ना। तेरे बहाने नाल? और क्या अम्मी जी, मेरी सास की तरह आपको भी बहुएं बड़ी चुपती थी पर मेरी सास कम से कम अपने बेटों की तो सकी थी ना। आपने तो अपने बेटों को भी पराया समझा, हर वेले आपको यही खतरा रहता था कि वो घर पे या कारोबार पे कब्जा ना कर ले। हालांकि सब कुछ उन्हीं का तो है। किद्दा सीगा उन्हां दा हैं, उन्हां दे पिओ दादे जी जगीरा? देखा ना अम्मी जी, दिल की बात आ गई ना जबान पे। मेरा आना तो बहाना था अम्मी जी,
का तो कब से जी था कि सबको निकाल के कली ऐश करे इस घर में। ऐश करनी है? मैं ऐश करनी है? वो बंद होंगे मैं तेरा। और अम्मी जी प्लान क्या है आपके लिए? मेरा सर दर्द, मेरा खर्चा, खर्चे टूटो के तंग आ गई थी आप, उसके बदले 100-100 एजान जताना है, इसीलिए सबको निकाल दिया बाहर। उतर जानिए, तेरे पीछे मैं काम कीता, जेड़े तेनू दुख देंदे आ उन्हां बिठा के रोटी खवाऊंगी मैं। मेरे दुखों को कौन जिम्मेदार है? है मेरी बर्बादी का कौन जिम्मेदार? किसकी वजह से हुई है तलाक मुझको? अम्मी जी आपकी वजह से, आपकी वजह से हुई है। होश कर, की बकवास कर दी पई है। ना पढ़ाया ना लिखाया, 16 साल की उम्र में सर से बोझ की तरह उतार के फेंक दिया वहां पे। ना बात करने की तमीज मुझे, ना लोगों को बरतने का सलीका। आज यहीं पे एडजस्ट कर। भाभी और भाईजान का क्या हुआ? उन्हें मामा जी ले गए। अच्छा ही हुआ। अच्छा है। भाभी की तबीयत भी ऐसी है। मामा जी तो चाह रहे थे कि हम दोनों भी उनके पास चले जाएं, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? तुम्हारी वजह से, मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारी खुददारी को हर्ट नहीं करना चाहता। तुम मेरा इतना ख्याल क्यों करते हो? किस तो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मैं तेनु यह कहना सी पुत्र, देखो बच्ची, तुहाडा हर हुक्म मेरे सिर मत्थे थे, लेकिन प्लीज वो गल ना कहना जड़ी मैं मान ना सका। मैं घर वापस नहीं जाना, ते उन्ना शर्तां च बिल्कुल नहीं जाना। मैं तेनु कभी भी नहीं कहूंगा कि वो शर्त मान। मुझे खुशी है पुत्र कि मेरी औलाद तेरे ते नहीं गई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां का एहसास है, अपने पे भरोसा है। मैं ते पुत्र रह देने आया। देखिए बच्ची, ऐ मेरे अबाई घर की चाबी ते कागजात ने जो मैनू विरसे च मिले, ऐथे मुश्किल आवे तो बेशक गुजरांवाले चला जा, वड्डा घर है, अद्धे च रह ते अद्धा किराए ते चढ़ दे, जेड़ा पैसा बचे वो कारोबार च ला। अच्छा सुबह सो जाओ, काफी देर हो गई है। हाँ सोती हूँ। सुल्तान। कुछ कहना है क्या? हाँ कहो, क्या कहना? वही
जो पहले तुम अक्सर कहते थे। क्या कहा करता था? वही जो अब नहीं कहते। क्या नहीं कहता अब? वही जो पहले मैंने कभी नहीं कहा। क्या नहीं कहा तुमने? वही ना जो मैं अब कहना चाहती हूँ। सो क्या कहना चाहती हो, बोलो तो। जो भी, अब मुझे नहीं बताना। क्या हो गया, सुन तो रहा हूँ मैं। क्या बात है, बोलो। ऐसा मुंह लेके सुनोगे तो मैं कैसे बताऊंगी? कैसा मुंह यार, क्या बात क्या है? तू कादल ही आई हैं? जो मेरा काम है, ड्यूटी पे आई हूँ। लेकिन रेस्टोरेंट क्यों खाली है? सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं खाली, डैडी भी नजर नहीं आ रहे। बंद है ढाबा, कोई नहीं है। मैं फिर भी किचन में चेक कर लेती हूँ। रहने दे, तेरी नौकरी खत्म। आप मुझे बगैर नोटिस के जॉब से नहीं निकाल सकती। तो तू मैंने हर वेले कानून ना सिखाया कर। अंदर किथे मर्दी पई है, बाहर नू चल। मुमताज बाजी से मिलने जा रही, इस पर भी पाबंदी है। नहीं हैगी मुमताज। कहीं गई है? गई है किथे? कहाँ? जिथे तू तो पीनो अपने खसमा नु लेके गई हो ना, उथे अपने प्यू नु लेके दफा हो गई। आओ तुम्हें ये बात सीरियस नहीं लग रही कि डैडी भी बाजी को लेके चले गए हैं? इसमें फिक्र करने वाली क्या बात है, कहाँ गए होंगे? ज्यादा ज्यादा मामा जी की तरफ होंगे। मैं उनके लिए नहीं, अम्मी जी के लिए परेशान हूँ। वो अकेली रह गई हैं। अम्मी जी ने खुद अपने आप को अकेला किया, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। एनीवे, तुम वहाँ से निकल आओ। अम्मी जी को अकेला छोड़ के सुल्तान, तुम उनके पास क्यों नहीं चले जाते? सुहा, जिस घर से मुझे धक्का के बाहर निकाला गया, मैं वहाँ कभी भी वापस नहीं जाऊँगा। प्लीज, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं इतनी आइडियल बहू बनने की। कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, कोई तारीफ नहीं करेगा तुम्हारी। तुम्हें लगता है मैं अपनी तारीफें सुनने के लिए सब कुछ करती हूँ? ठीक है, समझते रहो, लेकिन मैं उन्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। हर वो बात जिससे मैं मना करूं, मुझे तो लगता है ऐसी हरकतें जानबूझ के करती है ताकि मां बाप यह आ जाए कि मैं खुद इसे अपनी जिंदगी से निकालूं। नहीं सोहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा जब तक तुम खुद अपने दिल की बात जुबान पर नहीं। एक बेटी को तो मां पे जाना था, आने मुझे इसीलिए तलाक दी। मुझे तलाक जो है वो सोहा की वजह से नहीं हुई, तेरी वजह से हुई है मां। क्यों आई अपनी खरात लेके? मैं नहीं खाना खाना, दफा हो जाए तू। फिर रही भूखी? सुल्तान ठीक ही कह रहा था, जा रही हूं मैं भी। हेलो, मैं हूँ सोहा। सोबिया, आप ही? आप? शफक से तुम्हारा नंबर लिया। तुम मुझसे इतनी नाराज हो कि पाकिस्तान आई और मुझसे मिले बगैर ही वापस चली गई? जी बस वो हालात कुछ ऐसे थे कि। एक बात सच सच बताओ, तुम उस दिन मेरी गैर मौजूदगी में घर आई थी जिस दिन शफक की शादी थी? आपसे शफक ने कुछ कहा? मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। छोड़िए पुरानी बातें, आप भी कैसे भूल जाए।
कुछ तो है। मेरी बहन जी मुझसे सब कुछ शेयर करती थी, फिर ऐसा क्या हुआ जब वो यूं अचानक एक अनजान आदमी के इश्क में मुझसे इतना दूर हो गई है। प्लीज आपी ये गलत फहमी दूर कर लें कि मुझे सुल्तान से किसी किस्म का इश्क हुआ जो मैंने आपकी रजामंदी के बगैर उससे शादी कर दी। बस इसे मेरी मजबूरी समझी जो मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। या फिर ये समझ लें हेलो हेलो सुल्तान, मैंने सुना है आजकल तुम होटल में रह रहे हो। हाँ बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए। I'm really sorry to hear that. अगर मुझे पता होता हालात इतने बुरे हैं तो मैं जरूर ऑटोमेटिक में जाके तुम्हारी मदद करती। वैसे एक ऑफर है मेरे पास। क्या ऑफर? वही पुरानी ऑफर, तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। What? क्या कह रही हो तुम? हाँ अब तक तो तुम्हारे सर के ऊपर से शादी का भूत उतर जाना चाहिए। तुम्हें पता ही लग गया होगा कि ये टेंशन के सिवाय और कुछ नहीं। सुनो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके वक्त के साथ साथ ख्यालात भी बदल जाते हैं। मेरा जवाब आज भी वही है जो पहले था, बल्कि इस बार तो और भी सख्ती से इनकार है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बेवफाई के बारे में सोच भी नहीं सकता। कौन सी बीवी जो तुम्हें धोखा दे रही है? तुम्हें अपना दोस्त समझ के अपने राज तुम्हारे साथ शेयर करके बहुत गलती की मैंने। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती ये सच है, लेकिन कम से कम वो धोखेबाज नहीं है, करप्ट नहीं है। इतना यकीन है तुम्हें उस पर? उसकी मोहब्बत पे ना सही, लेकिन उसके किरदार पे है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अम्मी जी, अम्मी जी आपने आज भी रेस्टोरेंट नहीं खोला? अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी, प्लीज आपी ये गलत फहमी दूर कर लें कि मुझे सुल्तान से किसी किस्म का इश्क हुआ जो मैंने आपकी रजामंदी के बगैर उससे शादी कर ली। बस इसे मेरी मजबूरी समझी जो मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। कौन सी बीवी जो तुम्हें धोखा दे रही है? हेलो हेलो सुल्तान। हाँ यार खैरियत? आई मीन आई जस्ट गॉट योर मैसेज, इज एवरीथिंग ऑलराइट? हसन मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है सोहा के बारे में, प्लीज यार मुझे सच बताना। बड़े टाइम से तू उसे लेकर आई है पुत्र, इतना कुछ सहने के बाद भी जो हुआ वो तो हर फैमिली में होता है मामा जी,
गिले शिकवे रूठना मनाना, मगर अपने तो फिर अपने होते हैं ना, उन्हें ऐसे में अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता। हो भी ऐसी को जिसने सारी जिंदगी कल्ले गुजारी हो। ये तो अम्मी जी की अपनी मर्जी है, उन्हें किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं है, ना अपना दुख ना सुख ना घर ना जिंदगी। ऐसा नहीं अब तक, अब तक उन्हें कोई समझा ही नहीं है। बड़ी पिपी बड़ी सीधी सी है, बस इकबाल दे इश्क ने उन्हें मत मार दी। जिन माँ प्यो की बात मनने को अपना धर्म समझती सी, उन्हें तो मान टुकरा दिया। उस वक्त से पछतावा उसके दिल से निकलता ही नहीं है, अपने आप में सजा देती रही है। खुद को या डैडी को? अम्मी जी का बिहेवियर देखा है अपने डैडी के साथ? ऐसा कोई अपने सर्वेंट्स के साथ भी नहीं करता। कोई अपने दुश्मन दे नाल भी ऐसा नहीं करता जो इकबाल ने मेरी बलवंती दे नाल किया। जब हाथ से बेदखल कर देता है, कबर इस लेके जाना है तेरे प्यू ने सारा माल। लानत है ऐसे प्यू से। तू जाके कहंदी क्यों नहीं, देवे तेरा हक। फिर के वाहेगुरु की हो जावा, नहीं होना गुरु। कलमा पढ़ के तू की कर लिता है, बन जा सिखनी। मैनू तू ते सिखनी भी कबूल है। कबूल किया, हुण मैं वापस नहीं पर सकती। तू तो कुफर तोलदा पे। अपनी इज्जत आन दे पीछे जवानी गला ली उसने, एक बारी कलमा पढ़ के पीछे नहीं मुड़े, ऐलान करके गए सी। ते उन्हां दा ताल्लुक नहीं है बापू ते पैसे तो, ते बापू के बाद मेरे जोर देते भी उसने अपना हक नहीं लिया, तब भी नहीं लिया जब शादी के 4 साल बाद इकबाल उन्हां ते बच्चियां नूं 3 साल दे लिए छड़ दिया सी। भूखते मरते मरते भी एक पैसे की मदद नहीं ली, पत्थर बन गई, पत्थर बन गई सी। यार तुम कितने अहमक शख्स हो, उस मासूम पे इतना शक। हाँ वो मजबूर थी, लेकिन क्या आप तुम सारी बात जानने के बाद भी उसे सवाल करोगे कि उसने ऐसा क्यों किया? उसने ना सिर्फ अपनी बहन का घर बचाया बल्कि खुद को भी बचाया, और तुम ये समझ रहे हो कि उसने अमेरिका जाने की लालच में तुमसे शादी की। पढ़ा तू कोई मां का सदर लगा हुआ है। अस्पताल में पड़ी है और तुम सब इधर आ गए हो, जदो उधर सी तुसी आए नहीं। उन्हें किसी दी जरूरत जो नहीं। ओ थी जरूरत हो इकबाल, तेरी तेरे सहारे दी, पर तू कब सहारा बनाए हुए। उन्हें छड़ देता है दुनिया दे मेले विच, बीवी बच्चों का बोझ नहीं उठाया जा रहा था। जिस लालच जिस शादी किसी है, वो तो मिला नहीं तो वापस पाकिस्तान पहली बीवी के पास चला गया। खानदान के ठुड्डे खाने के 5 साल के बाद वापस आ गया सी, सिर्फ इसलिए कि बिल्लो अपने पैरों ते खड़ी हो गई सी, तेनू बिठा के खिला सकती सी। डैडी की पहली बीवी बिल्लो नू पता सी, मैं झूठ नहीं बोलिया सी। बहरहाल मामा जी, इस बात का अभी के मसले से कोई ताल्लुक नहीं है।
मैं जानता हूँ अभी अम्मी जी को हमारी जरूरत है, हम सबको अपना फर्ज निभाना चाहिए, लेकिन उनको भी तो चाहिए वो हम सबको इंसान समझे। तो किसी को कुछ समझती नहीं, उन्होंने अंजुमन के सर पे हाथ रखने की जहमत तक नहीं की अभी तक, और फिर मुमताज बाजी के पीछे वो हमारे घर तोड़ने के चक्करों में। असल गल पता की मामा जी, अम्मी जी संसारिया नू सगा समझदी नहीं, सिर्फ मुमताज सगी है, बाकी असि सारे मुतराए। ओ भूत ने दिया, तू ते मुमताज सौतेले हो, अंजुमन ते सुल्तान। ना बाले बाले में छड़ के न जाए, ना बाले अगे 5 साल तेरे बगैर बड़े मुश्किल गुजरे, मरत बगैर औरत ही क्या जिंदगी है। बाले मेरी बच्चियां नू तेरी बड़ी लोड़, तू मैनू छड़ के ना जाए। हूँ भले तो बेशक बेशक कमाइया ना कर शराबा पी, जो दिल करता कर, पर मैं छड़ के ना जा, मैं आपे कमा लूंगी, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी भले, पर मेरे बच्चा जी छत ना खोले, हम मेरे बच्चों की छत है तू भले, ना ना अंजुमन वालों नहीं बनेगी, मुमताज भी वालों नहीं बनूंगी, मेरे पुत मेहनत मजूरी करेंगे, जिम्मेवार बनेंगे मेरे सुल्तान ते मेरा नैत, मेरे बच्चे बगैरत नहीं बनूंगे, बाले वांगू ना। जे मैं इन्हों बार दी हवा लवाई तो अनैत भी आराम नाल हो जूगा, अनैत आराम नाल हो जूगा, उहदी कमाई खाएगा नहीं ना, मेरे बच्चे बगैरत नहीं बनूंगे, मेरे बच्चे मेरे पुत मैं बाले तो नहीं जान दूंगे, बाले वांगू नहीं बनूंगी। बाजी मैं देखो बाजी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बाजी, आपने तो कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं आपकी औलाद नहीं, माफ कर दो माँ जी, माफ कर दो। मेरे बच्चे अब अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है, इनायत भाई हैं उनके पास। अच्छा कहो। क्या कहूँ? वही जो उसने कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही थी? वही जो आज तक तुमने कभी नहीं कहा। क्या नहीं कहा? वही जो पहले मैं कहा करता था। क्या कहा करते थे? I love you. अच्छा छोड़ो, मैंने सुन लिया। क्या सुन लिया? That you love me too.